ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। कुछ दिनों पहले विरोध को लेके थाने शहर में एक राजनीतिक भूचाल सा आया था, जिसमें राष्ट्रवादी नेता आनंद परांजपे के खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आनंद परांजपे ने आज पत्रकार परिषद लिया है और हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने कई दिनों के लिए थाने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजनीतिक तूफान इस तरह से क्यों उठ रहा है कि संवैधानिक चीज़ों पे खुलेआम गलत तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके खिलाफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज किया गया, कल हाईकोर्ट ने इस पर दिलासा दिया है। 22 तारीख को जब हमने आंदोलन किया था, मेरे ट्विटर हैंडल से उस आंदोलन का वीडियो मैंने ट्वीट किया था और उसके बाद थाने पुलिस आयुक्तालय के 11 पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके खिलाफ मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी जिस पे कल सुनवाई शुरू हो गई है और अगली तारीख तक कोई भी एक्शन पुलिस नहीं लेगी, ऐसे प्रकार के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए है। थाना में पिछले 3-4 महीनों में अगर आप इस घटनाबाह्य सरकार के खिलाफ है, आपके संवैधानिक तरीके से इस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं, घोषणा देते हैं, मोर्चा निकालते हैं, तो आप पर केसेस किए जाते हैं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी के नेतृत्व में जब हमने हर हर महादेव के खिलाफ आंदोलन किया तब भी झूठा केस बनाया गया, फिर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी पे 354 का झूठा केस बनाया गया। इन दोनों मामलों में जब हमें बेल मिली तो कोर्ट ने ये संज्ञान लिया कि दोनों ही मामलों में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पॉइंट्स को दरकिनार करके FIR की गई। मेरे मामले में भी आंदोलन करना मेरा संवैधानिक अधिकार है जो मैं करता रहूँगा, ये चाहे जितना दबाने की कोशिश करे, हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सर, देखा जाए तो जब से सरकार बदली है काफ़ी मामले इस तरह से हो रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो रहे हैं और मुकदमों के बाद न्यायालय की टिप्पणियां लगातार हो रही हैं, फिर भी थाने पुलिस कमिश्नर इस तरह से हरकतों पे अपने पुलिस पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, मैंने कहा ना कि थाने पुलिस के आयुक्त जयजीत सिंह और उनके सारे नीचे के अधिकारी ये कानून के लिए, संविधान के लिए काम नहीं कर रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और थाना के पूर्व महापौर नरेश मस्के, इनकी प्राइवेट आर्मी है, इस तरह से ये काम कर रहे हैं। और आप अगर इनके राजनीतिक विरोधक हो तो आप पे झूठे मुकदमे किए जाएंगे, आपको जेल में डाला जाएगा। कल को ये ऑर्डर भी दे दे कि आनंद परांस पे ये असामाजिक तत्व है, ये गुंडा है, इसका एनकाउंटर करो, तो भी यहाँ की पुलिस उनका निर्देश पाल सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये परिस्थिति थाना की है। सर, लेकिन कहा जाए कई जगहों पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वयं कहा है कि ये जनता की सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है, और वहीं देखा जाए तो विरोध करने पे इस तरह से FIR हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? अगर जनता की सरकार है तो जनता का संवैधानिक अधिकार है सरकार का विरोध करना। हम हमारे संवैधानिक हक में अगर मोर्चा निकालते हैं, घोषणाएं देते हैं, हम धरना करते हैं, तो आप पर केस किया जाता है। मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो सुना आपने कि किस तरह से आनंद परांजपे ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते हैं वही करते हैं, उनके साथ कई लोग इस गिरोह को चला रहे हैं जिसमें विरोध करने पर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी कमलेश के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेवी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या।